दोस्तों आज हम आपको 100 साल पुराना केरोसिन से चलने वाला, मिट्टी के तेल से चलने वाला फ्रिज दिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो इसका ये लिखावट है दर्शकों को दिखाइए। हिमालक्स। हाँ, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। ये इसका केरोसिन टैंक है सर, लगभग अंदाजा है कि 10 लीटर का ये टैंक होगा और ये इसके पीछे लगेगा सर। ये यहाँ पे लगेगा केरोसिन टैंक, ये देखिए सर आप। ओहो, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है इतना पुराना होने के बावजूद। और सर ये इसका फ्रीजर है सर, जो आजकल फ्रीजों में होता है वैसा ही फ्रीजर बना हुआ है सर। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। ये मेरे को, मैं खुश नसीब हूँ कि एक साथ ही दो पीस मिल गए और दोनों अलग अलग कंपनियों के हैं। तो आप देखिए, इसका हमने काम भी स्टार्ट कर रखा है। इसका ये दरवाजा उतार के हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी फ्रीज है। तो आप ये भी दिखा दीजिए सर दर्शकों को। मेन चीज ये है इलेक्ट्रोलक्स, ये इसका सर छोटा सा फ्रीजर है। और फिर मैं आपको ये केरोसिन का टैंक दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें इंस्टॉल होता है। ये देखेंगे सर आप, नीचे व्हील लगे हुए हैं, क्या बिल्कुल इजीली स्लाइड हो रहा है सर। और मैं इसको आपको पूरा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ सर। इसमें केरोसिन फिलअप कहाँ से किया जाता था सर? ये देखिए, ये यहाँ से केरोसिन फिलअप होएगा और यहाँ फिर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये इसका मतलब, ये इसका ओरिजिनल टैंक है। यहाँ ये गेज है सर, ये जैसे ही अपन केरोसिन डालेंगे ये गेज ऊपर आ जाएगा, अपने को ये बताएगा कि इसमें कितना केरोसिन है, लेवल कितना बढ़ गया। हाँ, और फ्रीज को अपने को जैसे इसकी कैपेसिटी कम ज्यादा करनी हो तो ये आप देखेंगे सर, ये बत्ती सिस्टम। बिल्कुल सर, इसकी बत्ती को अपन कम ज्यादा करके यहाँ से ये रेगुलेटरी मान लीजिए आप फ्रीज का। ये चीज तो समझ में आ गई कि इसके अंदर केरोसिन भरा जाता था, फिर वहाँ पे वो चिमनी जैसा है जला करती थी। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद की क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उस टाइम सर? उसके बाद की जो टेक्नोलॉजी रही होगी उसकी हम भी खोज में लगे हुए हैं कि इसको किस तरह से कैसे चालू किया जाए, ऑपरेट किया जाए। दोस्तों इसके बारे में अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज हो तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि केरोसिन भरने के बाद उसका होता क्या था, क्या उससे कोई गैस पिंगल के इसके अंदर जाती थी जिससे ये ठंडा रहता था, ये हमें जरूर बताइएगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आज भी आपने इतनी सारी चीजों को बड़ी शिद्दत से संभाल कर रखा है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।